हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट रहता था, हम लोग उसको बोलते थे नेस्टिंग इफ या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसी तरह एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर या फिर नेस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिया हुआ था कि समझ में आ जाए, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वह समझ में आ जाए सभी को। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है मैंने। मैं सिर्फ अभी नंबर इनपुट लूँगा और प्रिंट करूँगा। ठीक है, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि ये कैसे काम करता है नेस्टिंग, इसीलिए मैंने ये इनपुट लिया हुआ है, इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो कोड है वो क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसमें मेरा डाटा टाइप है कैरेक्टर, डाटा टाइप का नेम वेरिएबल दिया हुआ है मैंने, फिर इंटीजर डाटा टाइप रोल दिया हुआ है मैंने, फिर उसके अंदर मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है जिसका मैंने स्ट्रक्चर टैग दिया हुआ स्टूडेंट वन। ओके, इसके अंदर का मेंबर है इंट टी एम, टी एम मीन्स टोटल मार्क्स। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये इनर स्ट्रक्चर कहलाता है, इनर स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको मैंने यहीं डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इन एस टी यू मीन्स इनर वेरिएबल, समझ लीजिए कि ये है तो इनर वेरिएबल, तो इन एस टी यू वेरिएबल का नाम मैंने लिखा हुआ है एस टी यू, और आउटर वेरिएबल का मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं, डिक्लेरेशन नहीं किया है, बल्कि इसके बजाय मैंने इसको मेन में किया है। तो चलिए मेन में आते हैं अभी हम लोग। यहाँ तक सभी समझ में आ गया कि कैसे नेस्टिंग करना है स्ट्रक्चर का, आई होप कि सबकी समझ में आ गया होगा। तो आते हैं मेन में। अब मेन में स्ट्रक्ट स्टूडेंट आउट एस टी यू, यानी कि आउटर एस टी यू। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं आउटर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इनर स्ट्रक्चर। ओके, इसलिए मैंने यहाँ इन एस टी यू लिखा हुआ है और इसके वेरिएबल को मैंने लिखा हुआ है आउट एस टी यू। ओके, तो प्रिंट एप फंक्शन के थ्रू, प्रिंट एप फंक्शन के थ्रू इंटर नेम स्कैन एप परसेंट एस आउट एस टी यू डॉट नेम, यहाँ एम्परसेंट ना भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं इसलिए, अगर फिर भी मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ना भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर एम्परसेंट परसेंट डी इंटीजर है तो एम्परसेंट देना ज़रूरी है। आउट एस टी यू एस टी यू डॉट रोल, प्रिंट एफ इंटर टोटल मार्क्स, यहाँ देखिएगा ध्यान से क्योंकि यही है नेस्टिंग का यूज़ किया हुआ। ठीक है, स्कैन एप परसेंट डी एम परसेंट आउटर एस टी यू आउट एस टी यू डॉट इन एस टी यू डॉट टी एम, यानी कि अगर आप इस टी एम यानी कि इस इनर मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको आउट एस टी यू लिखना पड़ेगा, यानी कि आउटर को एक्सेस करना पड़ेगा आउटर वेरिएबल के थ्रू, देन इनर स्ट्रक्चर को एक्सेस करना पड़ेगा इस इनर वेरिएबल के थ्रू, देन आप इस मेंबर को एक्सेस कर पाइएगा। इसीलिए यहाँ मैंने पहले आउट एस टी यू के थ्रू आउटर वेरिएबल आउटर स्ट्रक्चर को एक्सेस किया है, डॉट लिखा मैंने, फिर इन एस टी यू के थ्रू मैंने इनर स्ट्रक्चर को एक्सेस किया, फिर डॉट लिखा मैंने, देन मैं उस टी एम नाम के मेंबर को एक्सेस कर पाया। ठीक है, तो मेरा जो ये जो प्रोग्राम बनाने के पीछे जो मेरा मोटिव है कि आपको ये पता चल जाए कि इनर स्ट्रक्चर मीन्स नेस्टेड ऑफ नेस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर का हम लोग मेंबर जो भी मेंबर होता है उसको हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है प्रोग्राम में। देखिए मेन चीज़ होता है एक्सेस करना। ठीक है, आप एक्सेस करना जानते हैं तो आप उसमें अपना डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक लगाकर उस प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों ने एक्सेस कैसे किया जाता है इसी का भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि इनर स्ट्रक्चर का मेंबर कैसे एक्सेस किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर आप
नेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर का और उसका अगर आप मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आपको उसके आउटर स्ट्रक्चर को एक्सेस करना पड़ेगा, देन उसके इनर स्ट्रक्चर को एक्सेस करना पड़ेगा, एंड ओनली देन आप उसके मेंबर को एक्सेस कर पाइएगा। ओके, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू स्टूडेंट नेम आउट एस टी यू डॉट नेम प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टूडेंट रोल नंबर आउट एस टी यू डॉट रोल रोल नंबर भी प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रिंट एफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स प्रिंट करने के लिए फिर हमें टी एम को एक्सेस करना पड़ेगा जो कि इनर स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, तो उसके लिए हमें पहले आउटर स्ट्रक्चर को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर इनर स्ट्रक्चर को एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसके मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, आई होप ये क्लियर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।